गाइस, अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल का एटीएम कार्ड आया है और आप उसका एटीएम पिन बनाना चाहते हैं घर बैठे, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल की मदद से, तो चलिए मैं आपको बता देने वाला हूँ कि आपको एटीएम पिन कैसे बनाना है। और बहुत सारे भाई ये समझते हैं कि हमें इसके बैंक जाना पड़ेगा और एटीएम मशीन में जाना पड़ेगा, तब हम इसका न्यू एटीएम पिन बना पाएंगे। चूँकि मेरे पास बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रखे थे कि भाई न्यू एटीएम पिन कैसे बनाए, कैसे इसको जनरेट करें। मैंने तो इसको अप्लाई कर रखा था पीएनबी वन की मदद से और ये आज प्रॉपरली मेरे घर पहुंच चुका है। मैंने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को एक वीडियो बना दूं इनके लिए न्यू एटीएम पिन की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैसेज का ऑप्शन खोल लेना है। मैसेज का ऑप्शन खोल लेने के बाद आपको, तो दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको उसी मोबाइल नंबर से आपको मैसेज करना है जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में लिंक है। जैसा कि मैंने इसमें मोबाइल में खोल लिया है और ये मोबाइल नंबर मेरे अकाउंट में लिंक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको मैसेज करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको क्या करना है। तो आपको करना ये है कि आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये डालना होता है नंबर 92640 92640। तो आपको यहाँ पे 92640 92640 दो बार डाल के आपको यहाँ पे इस पर मैसेज करना है, जैसा कि मैंने आपको अब दिखाया है किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे आपको करना ये होता है, आपको यहाँ पे ये डालनी है स्पेलिंग DCPIN। यहाँ पे ये डालने के बाद आपको थोड़ा ये अच्छा एक चीज़ को और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ये मैसेज बड़े कैपिटल में डालना है और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी है। और स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे जो एटीएम कार्ड के आपके नंबर होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर होते हैं ऊपर के और नीचे ये डेट होती है, तो आपको यहाँ पे जो आपके नंबर होते हैं 16 डिजिट, ये आपको यहाँ पे डाल के इस मैसेज के अंदर तो आपको मैसेज कर देना है, जैसा कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ अपने 16 डिजिट के ये नंबर, और फिर आपको मैसेज करके भी दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे एटीएम कार्ड के ये नंबर थे ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरा सिम है वो दूसरे सिम में है, अब मैं दूसरे नंबर से आपको इसमें सेंड करके दिखाता हूँ। और सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी मिलेगा बैंक की तरफ से, वो OTP एक दो सेकंड के बाद भी आ सकता है और हैंड टू हैंड भी आपको मिल सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं वेट करता हूँ एक दो सेकंड का कि वो OTP हमारे पास इतने प्राप्त होता है। देखो मैंने यहाँ पे, अच्छा आपको एक चीज़ और करनी है, आपको नंबर अच्छे से डालना है, अगर आप गलत नंबर डालोगे इसमें तो OTP प्राप्त नहीं होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे इसमें सेंड करके हमारे पास OTP आ चुका है। अच्छा ये जो OTP होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का OTP होता है। OTP हमारे पास ये आता है, डियर कस्टमर ये इज OTP फॉर सेटिंग, यानी कि जो हमारा ये OTP था ये इस तरीके का होता है और ये OTP हमारा 72 घंटे तक वैलिड होता है, यानी कि आप 72 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं चाहे मशीन में चाहे ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि अभी आया है और अभी आप बना लो, तब आपको समय मिले तब बनाना, लेकिन ये वैलिड 72 घंटे तक होता है। अब आपको क्या करना है, आपको बैक साइड आ जाना है। अब बैंक साइड आ जाने के बाद आपको ये देखना है कि हमने जो एटीएम कार्ड अप्लाई किया था वो पीएनबी वन से किया था या फिर एटीएम मशीन उससे बैंक से जाके किया था। हमने तो पीएनबी वन से इसको अप्लाई किया था। अब आपको पीएनबी वन को ओपन करना है। पीएनबी वन को अगर आप एटीएम मशीन की मदद से बनाना चाहते हैं तो आप एटीएम मशीन में जाके, आपको ये OTP वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है, आपको ये OTP संभाल के रखना होता है। इसलिए हमने तो पीएनबी वन की मदद से इसको अप्लाई किया था, इसलिए हम पीएनबी वन की मदद से ही इसका जनरेट पिन बनाएंगे। तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर एक डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये हमारे पास डेबिट कार्ड है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड, यहां से हमने इसको अप्लाई किया था। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई भी कर सकते हो दूसरे फोन का, तो इसलिए। और आपको यहां पे फिर नीचे आ जाना है,
नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा जनरेट ग्रीन पिन, यानी कि आपका जो ये एटीएम पिन था आपको इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपको किस तरह से आप इसका न्यू पिन बना सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में अकाउंट नंबर डालना होता है जो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपको ये लिखा हुआ है कार्ड नंबर, ऊपर तो हमारा अकाउंट नंबर आ गया, उससे नीचे सेकंड में कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिखाई देगा यहाँ पे जो एटीएम कार्ड में जो डेट होती है एक्सपायर डेट और ये वैलिड डेट, तो आपको यहाँ पे दोनों डाल देनी है। सबसे पहले तो आपको कार्ड नंबर डालना है जो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे कार्ड नंबर भी डाल लिए हैं और एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर ये भी डाल ली है, और नीचे जो हमारे पास ओटीपी आया था वो मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कंटिन्यू, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस आएगा जैसा कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे एक दो सेकंड का वेट लग सकता है। एक दो सेकंड का वेट लगने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई देगा वो है ये लास्ट कैपिटल जो हमारा बचा है इंटर न्यू पिन कंफर्म न्यू पिन, यानी कि आपको जो अपना न्यू पिन बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एटीएम कार्ड का जो न्यू पिन मुझे बनाना था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और नीचे ये जो दो ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको यहाँ पे दोनों सेम आपको न्यू पिन डालने हैं, और न्यू पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस आएगा इस तरह से, और कुछ प्रोसेस होने के बाद आपका एटीएम पिन सक्सेसफुल तरीके से ओके हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक दो सेकंड का वेट कर लेना है जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से कुछ आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा एटीएम पिन सक्सेस हो चुका है और लिखा हुआ है नीचे योर डेबिट कार्ड पिन हैज़ बीन सेट प्लीज डू नॉट शेयर, यानी कि आपका एटीएम पिन सक्सेसफुल तरीके से बन चुका है, आपको ये शेयर नहीं करना है ना ही किसी को बताना है। अब आपको यहाँ पे बैक साइड आ जाना है। बैक साइड आ जाने के बाद आपको अब फ़ोन पे गूगल पे और पेटीएम वगैरह बनाना होता है, वह उसके ऊपर भी हमारी प्रॉपर वीडियो आएगी। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फ़ोन पे का लिंक आपको दे दिया है, फ़ोन पे को आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही डाउनलोड करना है। अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। फ़ोन पे को डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर अपने मोबाइल नंबर से अपना आईडी बना लेंगे, मोबाइल नंबर लगाने के बाद उस पर एक ओटीपी आ जाता है और आपका आईडी बन जाता है फ़ोन पे के अंदर। अब यहाँ पे एड एड्रेस लिख रहा है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाई देती है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है नीचे, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपना बैंक अकाउंंट ऐड कर लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक है तो ऊपर आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, यहीं से आप इसको ऐड कर लेंगे। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कुछ ही देर में यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा और आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, जब आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आधार कार्ड का और एक एटीएम कार्ड का। एटीएम कार्ड का पिन बनाया है ना अपने अभी, तो एटीएम कार्ड वाले पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट लगा देंगे यानी नंबर, उसके बाद एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लगा देते हैं,